वजह जब लोग घर से बाहर आते हैं तो कुछ दुख होते हैं, अरे यार मुझे बिग बॉस जीतना था, मुझे घर के अंदर रहना था, लेकिन ये पहली लेडी मैं ऐसे देख रहा हूँ, इतनी खुश एक्साइटेड लग रही है, एनी पर्टिकुलर रीजन? रूपल, क्या मैं सीरियसली सबसे पहला इंसान हूँ जो घर से बाहर आके इतनी खुश है इतने सीजंस में? मैंने जितने इंटरव्यू किए सबने बहुत ही सबसे ज्यादा एक्साइटेड हमें रूपल दिखाई दी है। मैं हाँ एक्चुअली बहुत खुश हूँ वहाँ से बाहर निकल के, बिकॉज मुझे जेन्युइनली लगता है कि मैं ऐसे गेम शो के लिए बनी ही नहीं हूँ। वहाँ पे उस गेम शो में आपको हर चीज़ के लिए रिएक्ट करना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों का आपको इशू क्रिएट करना पड़ता है, बिकॉज अगर आप नहीं बोलोगे तो मेकर्स दिखाएंगे क्या? आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, अगर आप चुप बैठे हो एक कोने में तो क्या दिखाएंगे कि ये चुप बैठी है? तो मैं वैसी हूँ ही नहीं, तो मैं कैसे रिएक्ट करूँ वहाँ पर? तो मुझे अंदर जाने के बाद ही विद इन फ्यू डेज रियलाइज हो गया था कि एक, मैं इस गेम शो के लिए बनी नहीं हूँ, दूसरा मैं अपने आप को टॉर्चर क्यों कर रही हूँ यहाँ पे, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपनी अच्छी खासी जिंदगी छोड़ के, इतनी प्यारी जिंदगी छोड़ के यहाँ क्यों आई हूँ? और मैं निकलना चाहती थी, बहुत बुरी तरह से निकलना चाहती थी बाहर, और अब जबकि मैं बाहर आ गई हूँ मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए शायद। तो घर के अंदर जो दो वीक आप घर में, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस घर के अंदर, क्या क्या किया आपने, कुछ अगर हमारे व्यूअर्स को बताओ? बहुत कुछ सीखा मैंने घर के अंदर, फॉर एग्जांपल गोल रोटी बनाना, बाथरूम साफ करना, पूरा खाना बना सकती हूँ अब मैं, पूरी तरह से, लाइक रोटी सब्जी दाल चावल सब बना सकती हूँ, पहले मैं सिर्फ पास्ताज बना सकती थी, और बर्तन धोना सीखा है मैंने, झाड़ू लगाना सीखा है, ठंडे पानी से नहाना सीखा है, नल का पानी कैसे पी के जिंदा रहते हैं ये सीखा है, बिना कॉफ़ी के जिंदा कैसे रहते हैं ये सीखा है, दो वक्त का इतना इतना सा खाना खा के कैसे जिंदा रहते हैं वो सीखा है। तो टॉर्चर था, बट अब इन्हीं चीज़ों को मैं अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस अप्रिशिएट कर रही हूँ। आई थिंक कहीं ना कहीं अच्छा भी ना, जब आपकी मम्मा आपसे मिलेंगी या कि अरे वाह मेरी बेटी के अंदर तो बहुत सारे चेंजेस आ गए, वो खुद अपने कपड़ों का ध्यान रखती है, खाना बनाती है, रोटी बनाती है, सब कुछ, तो ये कितना? मेरी मॉम एक्चुअली खुश तो हो रही थी, बट ऑल्सो सेम टाइम पे दुखी हो रही थी कि अरे मेरी बच्ची से क्या करा रहे हैं, यू नो, अरे मेरी बच्ची बर्तन धो रही है, अरे मेरी बच्ची ये कर रही है, अरे वो खाना को लेकर वो खुश है कि यू नो खाना बना ले रही है अभी पूरा, वैसे भी मैं घर पे एक दो बार बनाया खाना, बट 15 लोगों के लिए खाना बनाना और अपने परिवार के लिए बनाना बहुत अलग बात होती है, और उनको खाना पसंद आए नहीं आए, इतनी मेहनत करने के बाद वेस्ट भी हो सकता है, बट मैं लकी थी क्योंकि अभी फर्स्ट 2 वीक्स ही थे, तो अभी तक घर की सिचुएशन इतनी अगली हुई नहीं है, जो कि आगे जाके बहुत होने वाली है, बिकॉज वहाँ पे जो आप बोलते हो, जो आप होते हो, वो दूसरे इंसान को दिखाया दिया जाता है, दिखा दिया जाता है, चाहे आप किसी की गॉसिपिंग करो, क्यूट वे में करो, या एक्चुअल गुस्से में करो, कैसे भी करो, दूसरे इंसान को दिखा दिया जाता है, ऑब्वियसली उन्हें फिर बुरा लगता है, फिर वो रिएक्ट करते हैं, तो वो पूरा सब कुछ आपकी ऑडियंस देख रही है, और ऐसी नेगेटिविटी में जीना, आई डोंट नो कोई क्यों चाहेगा। बिल्कुल, अगर हम घर के अंदर की बात करें तो कोई ऐसा इंसान जिसे जिसका एटीट्यूड, जिसका बिहेवियर आपको पसंद नहीं आया कि ये यार बहुत बिल्कुल ही है, बहुत ही? हाँ मंदना, मुझे वो शायद अगर कभी दोबारा मिलेंगी बाहर तो मैं उनसे दोस्ती तो बिल्कुल नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत ही सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, बुल हेडेड, एरोगेंट, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाली लड़की है, तो मुझे ऐसे इंसान समझ में ही नहीं आते, मतलब मैं इतनी इमोशनल हूँ, मैं कोई एनिमल को भी सफ़र करते हुए देखती हूँ तो मुझे दुख होता है, और मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ, तो हम दोनों बिल्कुल ऑपोजिट पर्सनैलिटीज़ हैं, उनसे ज़्यादा एरोगेंट इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। चलो जब आप घर गई, घर से बाहर आए, अपने घर आए, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था, या सबसे पहले आपको किससे आपकी मुलाकात हुई, मम्मा डैड या जो कोई भी? घर से बाहर आते ही मैं कम से कम 1 घंटा रोई हूँ, और आई डोंट नो मैं क्यों रो रही थी, इट्स जस्ट दैट शायद वो 14 दिन का जो एक भरा हुआ था अंदर, वो घर आके मुझे एकदम से इतना आराम महसूस हो रहा था कि मैं रोती ही जा रही थी, बट जब मैं उसके बाद सो गई और सुबह उठी हूँ, तो तब से मैं इतनी खुश हूँ, और मैं अपनी छोटी छोटी चीज़ों को इतना अप्रिशिएट कर रही हूँ अपनी लाइफ में, कि ऐसा लगता है कि मैं एक डिफरेंट इंसान हूँ, यू नो, बदल गई। कुछ टास्क मिला है होगा घर के अंदर आपको, तो वो बताइए कैसे फेस किया आपने? हमने सुना है कि टास्क बहुत ही काफी चैलेंजिंग होता है लोगों के लिए। हाँ, एक टास्क था जिसमें हमें चक्की पीसनी थी दिन और रात, और सारे लड़कों ने डिसाइड कर लिया था कि कोई भी पानी नहीं पिएगा, वॉशरूम नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा, सिर्फ हम टास्क करते रहेंगे जब तक ख़त्म नहीं होता टास्क। वो बहुत मुश्किल हो गया था, बिकॉज हम एक्चुअली में बहुत डिहाइड्रेटेड हो गए थे, बिकॉज वैसे ही ज़्यादा पानी नहीं पी रहे थे, बहुत कम पी रहे थे,
वॉशरूम जाने नहीं मिल रहा था, तो अगले दिन आई थिंक सबके स्टमक्स जो हैं बहुत अपसेट हो गए थे एंड फिजिकली बहुत ड्रेनिंग था. फिर भी मैं करना चाहती थी और मैं यू नो कोशिश पूरी कर रही थी, बट दिगंगना की तबीयत ख़राब हो गई थी और क्योंकि हम बंधे हुए थे साथ में तो हम ज़्यादा देर तक कर नहीं पाए. तो सिर्फ बैठ के देखना और फिर ना पानी पीना ना वॉशरूम जाना और मुश्किल हो गया था. तो बहुत ही टफ था वो. और पहला टास्क जो था वो बहुत ही ग्रोस था बिकॉज हमारे चेहरे किसी के स्टमक में घुसेड़ दिए गए थे एंड उन्होंने पूरा ऑयल लगा के रखा था. वो जो ऑयल की स्मेल थी उससे मुझे उल्टियाँ आ रही थी. मैंने देखा फिर भी वो आपने फेस किया आपने. हाँ बिकॉज मुझे टास्क जीतना था. करे, तो करे. और मैंने कहा था चाहे कुछ भी हो जाए मुझे टास्क जीतना है. तो इवन दो मुझे बहुत प्यूकी फील हो रहा था, मैंने कहा 3 मिनट की बात है अपने आप को कंट्रोल कर लो. तो मैं वही करके बैठी थी वहाँ एंड थैंकफुली वो टास्क अच्छे से हो गया. अच्छा बिग बॉस के घर के अंदर देन आप अब बिग बॉस के घर के बाहर कितना मानते हैं कि लाइफ में कितना चेंजेस आया है, कितना परिवर्तन आया है रूपल के? लाइक आई सेड मैं लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीख गई हूँ. पानी पी के मुझे इतनी खुशी मिलेगी, कॉफ़ी पी के मुझे इतनी खुशी मिलेगी, मॉम डैड से फ़ोन पर बात करके इतनी खुशी मिलेगी. ये ऐसी चीज़ें जो आप भूल जाते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. आप सब चीज़ों को ग्रांटेड लेने लगते हो. हाँ मॉम डैड से तो रोज़ बात हो ही रही है, कॉफ़ी तो मिल ही रही है. वहाँ से बाहर आने के बाद पता चला इन चीज़ों की वैल्यू कि ये सब कितना मायने रखती है एक इंसान को नॉर्मल रखने के लिए. तो बहुत अप्रिशिएट करने लगी हूँ मैं अपने फ्रीडम को. अगर मैं कहूँ कि वाइल्ड कार्ड के जरिए अगर जाना है तो बिल्कुल आप एक्सप्रेशन से लग रहे कि कभी नहीं जाना चाहेंगे. मैं बिल्कुल नहीं उस घर में दोबारा कभी नहीं जाना चाहूँगी. अगर मुझे जाना पड़े भी तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं एक हफ्ते में बाहर आ जाऊँ जैसे इन 2 हफ्तों में थी. मैं इस गेम शो के लिए बनी ही नहीं हूँ. तो ये एक इंसान सलमान खान ये हमने देखा कि एंट्री भी की आपने, हमसे बातें भी की, देन एक हफ्ते जो इंटरेक्ट किया, वो भी कैसा रहा एक्सपीरियंस सलमान खान? इस पूरे शो में सबसे जेन्युइन इंसान अगर कोई है वो ये है. सबसे जेन्युइन. और उनका जो ऑरा है ना वो ही इतना ब्यूटिफुल है कि जब मेरी एग्जिट भी हुई, मेरी 5 मिनट माइक हटाकर उनसे बात हुई थी, वो इतने अच्छे हैं. यू नो उन्होंने मुझे हग किया एंड मेरे लिए लाइक मेरा सफ़र यू नो कंप्लीट हो गया. डूड सब मिल गया मुझे और कुछ नहीं चाहिए. सबसे जेन्युइन यही है. चलिए बिग बॉस के सफ़र में अगर मैं अभी तो कहना बहुत जल्दी होगा लेकिन अगर आपसे जानना चाहते कि आप घर के अंदर से आए कि किसे लगता है कि कौन जीतेगा या लंबी दूरी तक कौन जा सकता है? कॉन्ट्रोवर्सीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो किश्वर, सुयश, मंदना, रोशैल ये 4 लोग बहुत फुटेज देने वाले हैं. बहुत ज़्यादा बिकॉज वो हर चीज़ पे उनका एक ओपिनियन है. बट मैं चाहती हूँ कि कीत जीते. विनर मैं चाहती हूँ कि कीत ये गेम शो जीते बिकॉज वो बहुत सेंसिबल है, मच्योर है, एट द सेम टाइम स्मार्ट भी है. तो वो जीतने चाहिए. ओके अब आके जब आप इस घर से बाहर आई हैं, बिग बॉस के घर से आई हैं, तो आगे हमें क्या कुछ आपके प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे, मतलब बहू के रूप में या इन फ्यूचर? बहू बहुत अच्छा रहेगा. सीरियसली इस एक्सपीरियंस के बाद मैं अपने डेली सोप के एक्सपीरियंस की भी वैल्यू करने लगी हूँ बहुत ज़्यादा. हमें लगता था वो टफ है, बिग बॉस करके देखिए आपको पता चलेगा टफ क्या होता है. तो अभी फिलहाल कोई प्लान्स नहीं है. मैं अपनी ज़िंदगी जीने वाली हूँ अगले कुछ दिनों तक फॉर श्योर, जब तक मेरी कन्नड़ फिल्म का प्रमोशन शुरू नहीं होता. एक बार वो प्रमोशन शुरू हो जाएंगे शायद उसके बाद वापस ऑन टीवी. तो अभी टाइम है, अभी मैं छुट्टियों पर जा रही हूँ. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.